गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं सब मिलके। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री राम। जय हो। जय श्री गुरुदेव जय दादा गुरुदेव जय श्री गुरुदेव आप सबको। चलिए आज से वापस आई एम बैक, आज से शुरू करते हैं गुरुदेव का सत्संग और जो भी हमारे अनुभव रहते हैं, जो बदलाव हमें आ रहा है सिद्धयोग में। प्रतिदिन बदलाव आता है, हर रोज बदलाव आता है, तो उस बदलाव की बात जो है हम इस सत्संग में करते हैं, जो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग से हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं साधना के दौरान, उन बदलावों की हम चर्चा करते हैं। अनुभूतियाँ भी होती हैं साधना में, लेकिन अनुभूतियाँ जो हैं वो जब आप किसी को नहीं बता सकते उस अनुभूति को, मतलब उसका प्रमाण नहीं दे सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। चाहे मैं अंबर घूम के आऊँ, पताल घूम के आऊँ या कुछ भी घूम के आऊँ, तो उस चीज़ का मुझे कुछ लाभ दिखाई नहीं देता। लेकिन कुछ परिवर्तन अगर मैं धारण करता हूँ या कुछ परिवर्तन मुझ में आता है, उसे मैं आपको बता सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी धारणा मुझे हो जाती है। तो इसी तरह से आप में भी बदलाव आ रहे हैं, आपकी धारणा भी बदल रही है, आपकी चेतना भी जो है वो ऊर्ध्व गति कर रही है, बदलाव कर रही है। तो आपके अंदर जो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन सिर्फ शरीर में नहीं आ रहा, परिवर्तन हमारे चारों दिशाओं से आता है, ठीक है। तो हमारे कई स्तर हैं, चेतना के कई स्तर हैं। तो पहले तो चेतन होना, और फिर चेतना की ऊर्ध्व गति, चेतना का ऊपर उठना, या चेतना का अलग अलग स्तरों पे विस्तार होना। चेतना एक स्तर पे पहुंच गई, सोचो हृदय बहुत बड़ी ऊंचाई है, हृदय कोई छोटी चीज़ नहीं है, हृदय पे पहुंच गई। सबसे बड़ा केंद्र चैत्य के अंदर हृदय ही है, और सेंटर भी मुझे लगता है कि चैत्य का यही है, क्योंकि आत्मा निवास करती है यहाँ पर, वो शिशु परम शिशु यहाँ निवास करता है, जहाँ तक हमें पहुँचना होता है। परम शिशु इसलिए कहते हैं कि एक शिशु की भांति ही गोलोक में श्री कृष्ण निवास करते हैं, और शिशु ही है जो जल की तरह होता है, उस पर कोई भी चीज़ असर नहीं करती, ठीक है। शिशु के व्यवहार में जो क्षमाशीलता होती है, जो दया होती है, जो प्रेम और करुणा होती है, वो व्यसक में नहीं होती। मतलब जब आदमी बड़ा हो जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं कि जो पूर्ण चैत्य, जो एक शाश्वत चेतना है, या एक ऋग्वेद में ऐसा लिखा है कि वो शिशुवत, वो शिशु जो है वो वहाँ निवास करता है, चेतना के चैत्य के अंदर जो सेंटर है वहाँ निवास करता है, तो वो शिशु रूप में निवास करता है। तो जो व्यवहार है व्यक्ति का साधना में, वो शिशुवत व्यवहार हो जाता है। जैसे हम छोटे से बच्चे को डांट देते हैं, वो रोने लगता है, फिर उसे थोड़ी देर बाद प्यार करते हैं तो हंसने लगता है, उसे वो भूल जाता है किसी ने मुझे डांटा था। तो वो अपने ऊपर उस चीज़ को धारण नहीं करता, बाहर से किसी भी प्रकार की चीज़ों को शिशु धारण नहीं करता, शिशु अंतर्वत है, शिशु आंतरिक है। तो बाहर से कौन क्या प्रभाव कर रहा है, कैसा मौसम है, क्या है, क्या खाना खाया उसने दोपहर को, या क्या उससे मम्मी पापा ने उसको डांटा, प्रेम किया, उसको उस चीज़ से नहीं फर्क पड़ता है। वो सिचुएशन में रहता है, अभी की सिचुएशन में रहता है, और उसका व्यवहार उच्चतम व्यवहार है। इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये ऋग्वेद से ही ली हुई बात है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। इसीलिए किताबों को पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअल में चेतना, अगर हमारी चेतना है और हम चेतना ऊपर बढ़ रहे हैं, कोई कहता है मेरी चेतना कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरी साधना में मैं कहाँ पहुँचाऊँ, तो एक शिशु को देखिए, एक शिशु का व्यवहार देखिए, और अपना व्यवहार देख लीजिए,
तो वो शिशु व्यवहार जिस दिन हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, और वो नेचुरली होगा, आप उसे बनावटी नहीं बना सकते शिशु की तरह। यही मुश्किल बात है कि हम उसे बनावटी धारण नहीं कर सकते, वो धारणा हो जाएगी। आप अपने गुरुदेव के अंतिम क्षणों को देखो, या गुरुदेव के जब गुरुदेव बात करते थे तो उनका व्यवहार आप देखो कैसा था, बिल्कुल शिशुवत व्यवहार। आपको छोटे बच्चे, आपको क्यों गुरुदेव से प्रेम होता है? क्योंकि वो उनका जो व्यवहार है वो छोटे से शिशु की तरह है। और जो गुरु भाई गुरु बहनों ने गुरुदेव के साथ समय बिताया, अगर आप उनकी बातें सुनोगे और गुरुदेव के बारे में जानोगे, तो आप मतलब इतना में आनंद घटेगा आपके शरीर में उनकी बातें सुन के, कि वैसा आनंद जो है वो नहीं घटता कहीं, इंद्रियों से नहीं घटता बल्कि अंदर से घटेगा वो। और समझ में आएगा आपको कि गुरुदेव कितने प्यारे रहे होंगे और गुरुदेव का व्यवहार कैसा रहेगा, गुरुदेव जब देखते होंगे कैसे देखते होंगे, चीज़ों को सुनते होंगे तो प्रतिक्रिया कैसे करते होंगे। बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाती हैं इंसान में, बहुत घनिष्ठ परिवर्तन जिसे कहते हैं वो आता है। तो सिद्ध योग का जो मेन उद्देश्य है वो है परिवर्तन, इसीलिए हमें सिर्फ परिवर्तन की बात करनी चाहिए। मैं रात को सोया और मैंने वो आकाश देखा या फिर मैंने वो देखा, उसको मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका मूल अर्थ क्या है, मैंने क्यों देखा और उसको देखने का अर्थ होने से मेरे जीवन में, मेरे भौतिक जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, मेरे शरीर में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी साधना को एनालाइज अगर आप करना चाहते हो तो अपने व्यवहार को करो, चेतना को जानना चाहते हो तो अपने व्यवहार को जान लो, ठीक है। तो आप कैसे एनालाइज करोगे, और चेतना का तो कोई और कोई कोई आईना नहीं है, मेरा व्यवहार ही मेरा आईना है ना। तो व्यवहार को भी देखना, व्यवहार को मैं देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, वो भी बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो ऋषि अरविंद इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो कुछ चेतना के बारे में कुछ बताते हैं कि चेतना के अलग अलग कहाँ पर आदमी पहचानता है, कहाँ पर वो अवचेतन है, कहाँ पर अचेतन है और कहाँ अति चेतन है। तो वो मुख्यतः चेतना के विस्तार को ही बताते हैं, पहले चैतन्य के केंद्रों को बताते हैं, फिर उन केंद्रों को विस्तार में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत संक्षिप्त और बहुत ही प्यारा वर्णन वो करते हैं। बड़ी आसान हो जाती है साधना जाननी, और जितना ज्ञान आप में बढ़ेगा उतना आप अपने आप को समझ पाओगे। ज्ञान आपको दुनिया को समझने के लिए नहीं, फूल पत्तियों को समझने के लिए, सूर्य आकाश चंद्रमा घटित इसको समझने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए आपको, जरूरत नहीं। ज्ञान चाहिए आपको खुद को समझने के लिए, इसीलिए चेतना कहा गया। चेतना का अर्थ है ज्ञान, है ना, कोई पशु है, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं कि वो पशु है, उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं। इंसान को ये ज्ञात है कि वो इंसान है, ये एक चेतना है, लेकिन ये भी अचेतना है। ये उसको ये ज्ञान है कि वो एक शरीर है, वो एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है, धर्मों में बंधा हुआ, संस्कृति में बंधा हुआ, वो इतना जानता है। इसे अचेतनता कहते हैं, अचेतन, वो अचेतन है क्योंकि वो स्वयं को नहीं जान रहा, स्वयं के आवरण को जान रहा है। मैं कहूँ कि अगर आप मेरी पहचान मेरे कपड़ों से करोगे तो आप मुझे जानते नहीं। तो इंसान अपनी पहचान अपने शरीर से करवाता है, अपने कर्म से करवाता है, अपने धर्म से करवाता है, या फिर अपने परिवार के माध्यम से कराता है, अपने नाम से करवाता है, अपनी नेशनैलिटी से करवाता है। तो वो अपनी पहचान इसको समझता है, इसलिए एक मनुष्य भी अचेतन ही है। अगर पशु अवचेतन है, नीचे है, पशु को नहीं पता वो पशु है, इंसान को भी नहीं पता कि वो आत्मा है, वो मानता है कि वो आत्मा है, वो जानता है, वो मान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जानना नहीं चाहता कि वो आत्मा है तो आत्मा क्या है, नहीं जानना चाहता। 99% लोग अचेतन ही प्रकट होते हैं, अचेतन ही चले जाते हैं, चेतन नहीं होते। 1% लोगों के जीवन में वो घटित होते हैं, कौन, गुरु, गुरु घटित होते हैं। तो गुरु घटित होते हैं तब मनुष्य चेतन होता है, तब चेतन होता है। अब यहाँ से चेतना के केंद्रों पर वो बढ़ता है, और एक चेतना के केंद्र पर अगर वो पहुँच गया तो वहाँ रहता है। उस चेतना के केंद्र पर रहना, उसका विस्तार करना, उसकी साधना का हिस्सा है नियमित ध्यान, नाम जाप, और जो भी वो
प्रोसेस ले रहा है उसको विस्तार करने के लिए, ताकि वो उस चेतना के केंद्र को समझ सके, उसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का बढ़ना। ठीक है, अभी हमारे साथ शायद पारुल है, गुरुदेव के दर्शन शायद हो जाएंगे। पारुल आप कहाँ हो? हाँ, दर्शन हो गए। चलो मादी चलो, अभी पारुल जी हमारे साथ हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप गुरु सियाग पलाना, पारुल सियाग एक आईडी है उसको आप पिन कर लो, और गुरुदेव के थर्सडे को आपको समाधि के दर्शन होंगे और हम परिक्रमा भी करेंगे तीन। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को, अगर आपको इधर आना है, आपके पास अगर लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये आप लिंक लो। इस लिंक से थोड़ी देर के लिए आप आ जाओ गूगल मीट पे, ताकि आप दर्शन कर पाओ, और अगर आप फिर भी नहीं आ पा रहे हो तो मैं एक और व्यवस्था उसकी कर देता हूँ अपने मोबाइल में, मैं मोबाइल से आपको दिखा देता हूँ मेरी स्क्रीन पे, तो आपको वैसे भी दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन करो। जय श्री गुरुदेव पारु। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव पारु जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। यहाँ पे दिखा। यहाँ थोड़ा सा। हाँ, तुम उस तरफ घूम के खड़े हो जाओ, चाहे तो ऐसे ऐसे खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ। आदर उस तरफ आदर। तुम ऐसे आ जाओ, तुम आ जाओ। ऐसे ऐसे पकड़े हो। नहीं ज्यादा था। चुप चुप के जैसे। जय श्री गुरुदेव। कंफर्टेबल जैसे लग रहा है वैसे। ओ जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलो परिक्रमा कर लेते हैं गुरुदेव की, तीन परिक्रमा करते हैं हम लोग, क्योंकि गुरु की और माता पिता की तीन परिक्रमा करते हैं और हम तीन वृत्तियों से मुक्त होते हैं। तो वो लाइट जल गई। चलिए सब लोग आ गए हैं इधर, तो पारुल आप हमें गुरुदेव के परिक्रमा करवा दो तीन। अरुण परिक्रमा करवा दे। जय श्री गुरुदेव। बोलो समर्थ बसंत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो दशम अवतार कल्कि अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। दादा गुरुदेव की जय। काम सॉरी यार, पाछ दोबारा काम स्टार्ट करवाइए। साइज फुल है, आमने घर वही नहीं दिखता है। सबको दर्शन हो गए मुझे लगता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। थैंक यू यार, पांच का लेकिन
जमीन तो रुद्दी थी नहीं सीख अठारह फुट जमीन है, 18 फुट में 4 लेटरिन बनी है, आगे पीछे बनाओगे बराबर हामी हामी बीचे गेल जी बीचे गेल जी अब 18 फुट जमीन है, 18 में 9-9.5 फुट बाहर उड़गी, 4-4 इंच बिजली उड़गी तो लेटरिन चार। पारुल थैंक यू सो मच, पारुल हमें दर्शन हो गए हैं सबको। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। तो ये थर्सडे को गुरुदेव हमें दर्शन देते हैं अपनी समाधि के, पलाना धाम के दर्शन होते हैं पारुल के माध्यम से। तो ये भी हमारे बड़ी खुशनसीबी है कि गुरुदेव हर थर्सडे को पारुल के माध्यम से हमें दर्शन देते हैं। एक तरह से आशीर्वाद ही समझ लो इसको, कि हमें आशीर्वाद मिलता है थर्सडे को। चलिए तो अब मैं बात नहीं कर रहा, आप बात कीजिए, आप कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो कीजिए। पूनम मम्मा को भेजो। आप बात कीजिए, आप गुरु भाई गुरु बहन कोई कुछ बात करना चाहता है, कुछ अपने अनुभव के बारे में या फिर कुछ भी आपका प्रश्न हो सकता है, जो कोई भी गुरु भाई गुरु कृपा से आपकी मदद कर सकता है या आप हमारी मदद कर सकते हैं अपनी चेतना से, अपनी साधना की। आप क्या किया, साधारण सी कोई भी चाय दे दो ना। ठीक, बात कीजिए, कोई बात करना चाहता है। जय गुरुदेव। हाँ जी गोयल जी, जय श्री गुरुदेव। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, 90% ठीक हो गई है, 10% अभी भी मुझे लग रहा है कि वीकनेस लग रही है हमें। वीकनेस है, हाँ है ना, वीकनेस है ना, हाँ थोड़ी वीकनेस है। तो अब वीकनेस कुछ किया नहीं जा सकता, खा पी रहे ग्लोए का दूध ले रहे हो ना सांग, अभी चल रहा है ना। दवाई तो मैं कुछ ज्यादा नहीं ले रहा, दवाई तो कुछ भी नहीं चल रही, बस वो एक दवाई नहीं लेनी कोई भी। हाँ? दवाई कोई नहीं लेनी है, पर गिलोय का जूस लेते रहना साथ में। गिलोय का जूस लेना है, क्या होगा उससे? हाँ, गिलोय का लेना है बस। उससे होगा क्या? उससे वीकनेस आपको कवर हो जाएगी, उससे वीकनेस कवर हो जाएगी। अच्छा, गिलोय से वीकनेस, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बेल नहीं है, तो गिलोय की वो डाबर की आती है गिलोय बटी। हाँ हाँ वो है मेरे पास पड़ी हुई है, मैं नहीं खा रहा था। गोली सुबह शाम लेते रहना, एक एक गोली। एक्चुअली में क्या सेशन नहीं होता ना, तो यूं लगता है कुछ रह गया है, मन नहीं लगता खाने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। हाँ वही तो ना, तो यार कुछ अधूरा से मैं घर जाके मिसी से कहता हूँ, मेरा ही नहीं हो रहा या तेरा भी नहीं हो रहा, तो बोली कोई नहीं रहा। सबका ही नहीं हो रहा, जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं ना। लेकिन एक ये जरूरी था, एक गैप आना बहुत जरूरी था। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, वो साफ हो जाती हैं। ये गुरुदेव की आज्ञा ही होगी बस, ये है और क्या, ये कह सकते हैं। हाँ हाँ बहुत कुछ है इसमें, इसे हम ये ही है और क्या। अच्छा अच्छा, गिलोय आप कह रहे हो मुझे लेना चाहिए, एक सुबह एक शाम। ठीक है, जय गुरु। चलिए तो वैसे तो मैं कुछ नहीं ले रहा, वो एक विटामिन है, मल्टी विटामिन है, उसी ले रहा हूँ धीरे धीरे। आज तो काफी अच्छा लग रहा था मुझे, आज के दिन से थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी वीकनेस है। बात करने में ऊर्जा जाती है, तो चाय पी के शायद आ जाए मुझे कुछ। चलिए आप लोग बात कीजिए, अब मैं नहीं बात कर रहा, आप लोग बात कीजिए, क्योंकि सेशन हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 8 बजे तक करेंगे, तो आप भी बात करो। आप थोड़ा सा सात कोश के बारे में बताएं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से सोनी पूछ रही है, सात कोश के बारे में जानना है आपको। अच्छा, सात कोश जो हैं हमारे, देखो सात कोश एक तरह से बहुत बड़े, बहुत दूर की बात है। सात कोश जानने के लिए, सात कोश जो हैं वो हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। सात कोश है, ठीक है।
सातों कोशों की चेतना अलग अलग होती है, या आप कह दीजिए कि चेतना के सात केंद्र हैं हमारे शरीर। जब हम पूर्ण अंदर पहुंचते हैं, सबसे अंदर में पहुंचते हैं, वहां सबसे अंदर जाने के लिए सात ताले हैं या सात आवरण हैं, ठीक है। आवरण को ही कोश कहा जाता है। हमारा शरीर जो है ये पहला कोश है दिखने वाला, इसे कहते हैं अन्नमय कोश, अन्न से बनने वाला शरीर, ठीक है। फिर इसे भौतिक शरीर भी कहते हैं, पार्थिव शरीर भी कहते हैं। उसके नीचे सूक्ष्म भौतिक आता है, प्राण। फिर उसके नीचे और सूक्ष्म भौतिक, भौतिक में ही आता है, वो भी सूक्ष्म है, उसे कहते हैं मन। तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ठीक है। ये सूक्ष्म, ये भौतिक जगत है, ये अंधकार है, ये अचेतन है, ठीक है। और उसके आगे के जो कोश हैं वो प्रकाशित हैं, इनका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है। तो अब हमें आगे के जो चार कोश हैं, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमें चारों की यात्रा करनी है ना, तो हमारे पास टिकट किसकी होनी चाहिए, वो लास्ट वाले की होनी चाहिए। तो लास्ट वाला है सत्यमय कोश। तो सत्यमय कोश तक पहुंचने के लिए विज्ञानमय कोश में हमें क्या चाहिए? अगर हमें सत्यमय कोश में जाना है, लेकिन जाना तो विज्ञानमय कोश से, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सा चीज़ होनी चाहिए जो हमें वहाँ तक लेके जाए, वो जहाँ तक हमें पहुँचना है, सत्य। तो विज्ञानमय कोश से आगे की साधना सत्य की साधना है, ठीक है। कोई भी साधक जब साधना करता है तो वो विज्ञानमय कोश से आरंभ करता है, वो शरीर से आरंभ नहीं करता, वो ना तो प्राण से आरंभ करता है ना मन से आरंभ करता है, वो आरंभ करता है विज्ञानमय कोश यानी कि हृदय से। हृदय को मैं विज्ञानमय कोश मानता हूँ क्योंकि यहीं से सारा ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन जब वो साधना करता है तो उसकी साधना, कुंडलिनी की साधना जो सिद्ध योग की साधना है, वो पहले कौन से कोश पे कार्य करती है, जब विज्ञानमय कोश में, हृदय में जब सत्य जागृत होता है उसी के बाद ही साधना चलती है, उससे पहले साधना चलती नहीं। सत्य का प्रकट होना चेतना का विकास है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले मन पे कार्य करती है, यानी कि मनोमय कोश पे कार्य करती है। जो गुरुदेव आपको नाम देते हैं, क्या कहते हैं, मन मन में जाप करना है, होंठ और जीभ नहीं हिलना चाहिए। तो शरीर को उन्होंने कह दिया कि शरीर से साधना नहीं करनी है, मन से करनी है, ठीक है। तो मन कौन सा कोश है, तीसरा, विज्ञान से नीचे वाला, है ना। तो आप जब तक आपके अंदर सत्य जागृत नहीं होता, आपको क्या करना होता है, जब विज्ञान जागृत नहीं होता, ज्ञान नहीं प्रकट होता, सत्य से ज्ञान प्रकट होता है, और सत्य तो प्रकट होता है साधना से। अभी तो साधना की नहीं, अभी तो शुरू की, अभी तो दीक्षा ली है, तो दीक्षा में गुरुदेव कहते हैं मंत्र जपो, मानसिक जाप करो। तो वो आपके मन का विकास करते हैं सबसे पहले, तब तक सत्य जागृत नहीं होता तब तक मन की साधना। तो मानसिक जप होता है, लोग कहते हैं कि मैं जप करूं, नाद सुनूं, कन्फ्यूजन रहता है उनको, है ना। तो मंत्र जप जो है वो सत्य है, तो वो सत्य को खटखटाता है, यहाँ पर स्ट्रोक लगता है, गुरुदेव कहते हैं, है ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कहते हैं ना राम नाम सत्य है। तो जो नाम आपको दिया जाता है वो सत्य है, आप सत्य में कोश को खटखटाते हो। तो आप खटखटाते तो सत्य में कोश को, लेकिन सत्य में कोश में जाने से पहले आपको विज्ञान में सत्य को जागृत करना है, तभी तो सत्य में पहुंचोगे ना, ऐसे तो नहीं पहुंच सकते बिना सत्य के। तो सत्य में कोश तक पहुंचने के लिए जो नाम दिया जाता है वो दो प्रकार की जर्नी शुरू कर देता है आपकी। एक जर्नी शुरू करता है सत्य की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो नाम सत्य है और सत्य को जागृत करना उसका कार्य है, तो हृदय से वो आत्मा को जागृत करता है, ये कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या करता है, मन पे कार्य करना शुरू कर देता है, मानसिक जप। तो मानसिक समस्याएं सॉल्व होनी सबसे प्रथम कार्य है। आपने गुरुदेव की स्पीच में सुना होगा ना कि सबसे पहले मानसिक समस्याएं सॉल्व होती हैं, मानसिक टेंशन, क्योंकि 80% बीमारियां मानसिक तनाव से होती हैं, गुरुदेव कहते हैं ना। तो सबसे पहले कौन से कोश पे कार्य शुरू होता है, मन पे, क्योंकि मन स्थिर नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा तो ध्यान लगेगा नहीं। लोग कहते मेरा ध्यान नहीं लगता, कहते मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान क्या होता है मुझे मालूम नहीं,
उसका कारण है मनोमय कोश में अशांति। शरीर से ध्यान नहीं लगता, ना प्राणों से लगता है। योगी, हठ योगी जो होते हैं वो नीचे से शुरू करते हैं, अपने शरीर को कड़ा करते हैं, बिठाते हैं आसन में, प्राणों को रोक लेते हैं, फिर मन पे कार्य करते हैं। यानी कि जो हठ योग है वो कहाँ से शुरू होता है? वो सत्य से शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है अन्नमय कोश से। अन्नमय कोश यानी कि योग अभ्यास करके पद्मासन लगाएंगे और फिर उसके बाद दूसरा कोश है प्राणमय कोश, प्राणों को रोक लेंगे। तो सीढ़ी चढ़ गए, शरीर की सीढ़ी आसन से और प्राणों की सीढ़ी कुंभक से। तीसरी सीढ़ी कौन सी है? मन। और जब प्राण रुक जाते हैं तो आदमी को तो सारी चिंताएं भूल जाएंगे, तो मरने वाला है, सांस रुक जाएगी तो मरने वाला है, हो जाता ना। मैं सांस रोक लूँ तो मुझे थोड़ी चिंता होगी मैंने भाई रात का खाना क्या खाना है, तो उसी समय मेरी चेतना मेरे तरफ आ जाएगी। तो तीसरी सीढ़ी है मन की, मन शांत हो जाएगा। तो जो हठ योग है वो प्रथम सीढ़ी से शुरू करते हैं, लेकिन सिद्ध योग कौन सी सीढ़ी से शुरू होता है? एक दो सीढ़ियाँ एक साथ। एक तो ऊर्ध्व गति करता है विज्ञानमय कोष से सत्य प्रकट करके, और दूसरा मन पे कार्य करता है मंत्र जाप से, मन को शांत करने का कार्य करता है। यानी कि मन आपका पहले शांत होगा, उसके लिए आप बैठे हो, उठे हो, कौन से किस प्रकार से साधना कर रहे हो, प्राणायाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी चिंता नहीं करनी आपको। सबसे पहला कार्य मन पे शुरू होता है, मन स्थिर होना शुरू होता है, मन शांत होना शुरू होता है, और जब मन शांत होगा तब ध्यान लगना शुरू होता है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? कोश सिद्ध योग की साधना अलग साधना है ना, हठ योग की अलग साधना, और भी साधनाएं हैं वो अलग है। तो सिद्ध योग में सबसे पहले हृदय जागृत होता है, आत्मा जागृत होती है। गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं दीक्षा देता हूँ तो कुंडलिनी का जागरण और आज्ञा चक्र का खुलना एक साथ होता है। आज्ञा चक्र के खुलने को आप ये मत समझना कि आज्ञा चक्र की आपको शक्तियाँ प्रकट होगी। आज्ञा चक्र एक स्थान है, एक अवस्था है। आज्ञा चक्र अंदर घुसने का रास्ता है, गुरुदेव ये बताते हैं। ये मत समझना कि कुंडलिनी जागृत हुई है तो तुम्हारी जो यात्रा है वो मूलाधार से, स्वाधिष्ठान से, मणिपुर से ऐसे जाएगी। उनका कहने का अर्थ है कि तुम नीचे से ऊपर उठ नहीं सकते बेटा, तुम में उतनी सामर्थ्य नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्वयं नीचे आया हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए स्वयं नीचे आ गया हूँ, तुम्हें ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें ऊपर उठा लूँगा। मैं वो अधिमानसिक चेतना हूँ जिसे ऋषि अरविंदो ने नीचे बुलाया है, पृथ्वी पर बुलाया है, जीवन में बुलाया है, तुम्हारे लिए बुलाया है, पृथ्वी के लिए बुलाया है। तो मैं नीचे आ चुका हूँ, मुझे पाने के लिए ऊपर नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर जाना है। तुम्हें मुझ तक पहुँचने के लिए, मैं तुम्हारे अंदर आ चुका हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हें मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अंदर की यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा नहीं करनी है। तो अंदर जाने का रास्ता वो कहते हैं सिर्फ एक ही है, मूलाधार अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो नौ द्वार हैं ये बाहर खुलते हैं, एग्जिट है, ये जो है ये अंदर खुलता है रास्ता। तो आज्ञा चक्र का खुलने का अर्थ ये है कि मेरी चेतना कुंडलिनी के जागृत होते ही अंतर्मुखी हो जाएगी। अब जैसे ही मैं आज्ञा चक्र से अंदर प्रवेश करूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि मेरे अंदर कौन बैठा है? चेतना, आत्मा, आत्मा बैठी है ना? आत्मा ही सारी यात्रा करेगी, आत्मा ही दृष्टा है, आत्मा ही सारा कार्य जो है आत्मा का ही है, ठीक है। पूर्ण चेतना आत्मा प्राप्त करती है। तो आत्मा कहाँ निवास करती है? हृदय में। तो जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा तो मैं निकलूँगा कहाँ से? हृदय से। आत्मा जैसी जागृत होती है उसका जन्म होता है, जिसे गुरुदेव कहते हैं कि एक जन्म माता पिता देते हैं भौतिक शरीर का, दूसरा गुरु, है ना, कहते हैं ना, दूसरा जीवन गुरु देता है। तो वो दूसरे जीवन का अर्थ है आत्मा का जागृत होना हृदय से। आत्मा जब जागृत होती है तो वो पंच इंद्रियों से काम नहीं लेती, उसके पास न सुख का है न दुख का है, उसके पास कोई पैमाना नहीं है, वो कुछ नहीं लेती, कुछ नहीं देती, उसके पास एक ही चीज़ है बस। आत्मा सिर्फ और सिर्फ सत्य के सहारे ही ऊर्ध्व गति करती है, सत्य के सहारे ही चेतना के सारे केंद्रों को पार करती है, सत्य के सहारे ही सत्यमय कोश तक पहुँचती है, क्योंकि सत्यमय कोश में सिर्फ सत्य तक ही पहुँच, सत्य से ही पहुँचा जा सकता है। तो हृदय में जैसे ही आत्मा जागृत होती है सत्य प्रकट होता है, वही सत्य हृदय से, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। मुझ में जो आत्मा है आप में वही आत्मा है, है ना, आत्मा एक ही है, बहुत सारी आत्माएं नहीं है, सिर्फ भूली बिसरी है, ये कह सकते हैं कि वो अपने अचेतन में है। अगर मैं अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से जान लूँ तो मैं समस्त आत्माओं के बारे में जान लूँगा,
एक आत्मा को जानने का अर्थ है, एक अपने आप को जानने का अर्थ है सारे संसार को जान लेना। इसीलिए कहा गया है जा पिंडे सही ब्रह्मांडे। तो मैंने अगर अपने पिंड को जान लिया, आत्मा को जान लिया, आत्मा के माध्यम से सब चीज़ों को अंदर जान लिया, तो मैंने सारे संसार को जान लिया, है ना। तो मेरा जानना सिर्फ मेरी आत्मा के प्रति पूर्ण चेतना ही मेरा लक्ष्य है। मैं अगर अपने बारे में जानता जाऊंगा तो मेरी चेतना का विस्तार होता जाएगा, क्योंकि आत्मा सब जगह है। उसको जितनी आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी उसका एरिया स्ट्रांग होता जाएगा, तो दूर दूर तक मैं सुन सकता हूँ। मैं अगर ध्यान केंद्रित करूँ तो अमेरिका में कहाँ पर वो जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो क्या बोल रहे हैं, वहाँ राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री तो नहीं होते, राष्ट्रपति साहब क्या बोल रहे हैं, अगर मैं अपनी चेतना करूँ तो मैं आत्म रूप में वहाँ पर हूँ, क्योंकि वहाँ भी तो आत्मा है, वही मैं ही हूँ। तो मैं वहाँ पर सुन सकता हूँ क्या हो रहा है, और मैं परिवर्तन भी कर सकता हूँ उनके डिसीजंस को, अगर मेरी चेतना पर अधिकार है। तो इसे कहते हैं कि अपनी चेतना का विस्तार करना और उस पर अधिकार करना, अधिकार हो जाना। तो मैं अगर अपने बारे में पूर्ण रूप से जान लूँ तो मैं सारे विश्व के बारे में जान सकता हूँ, सबके बारे में जान सकता हूँ, आप सबके बारे में मुझे ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। जो बाबा गंगाईनाथ जी हैं वो पूर्ण चेतना है, गुरुदेव हैं पूर्ण चेतना है। अगर आप कहते हो प्रार्थना करते हो ना, गुरुदेव कहते हैं करुण प्रार्थना करो मैं सुन लेता हूँ, तो करुण प्रार्थना करोगे तो कैसे गुरुदेव सुन लेंगे, क्योंकि उनकी चेतना का विस्तार पूर्ण रूप से हो चुका है जो आपके अंदर है। कहते हैं ना गुरुदेव एक और बात, आप मेरे अंदर हो मैं आपके अंदर हूँ, इसका क्या अर्थ है कि जो तुझमें है वही मुझमें है, जो एक आत्मा है जो मेरी है वही तेरी है, मेरी और तेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं, बस मैं चेतन हो चुका हूँ पूर्ण रूप से, इसीलिए मैं तेरे अंदर सब जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता क्योंकि तू चेतन नहीं है। तो हमारी यात्रा चेतनता की है, लेकिन इस चेतना में सात कोश माध्यम है, सात कोश स्टेप्स हैं। तो जो साधना में दी जाती है बड़ी ही सरल साधना दी जाती है, नीचे से शुरू नहीं करके हृदय से शुरू की जाती है, विज्ञान से, सत्य से। आपकी साधना का आधार सिर्फ और सिर्फ सत्य ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्य क्या है ये जानने में समय लगेगा। मैंने कह दिया सत्य क्या है तो आपको लगता है कि जो हम सुनते हैं या जो हमारी स्थिति होती है उसको एज इट इज ही कह देना, एज इट इज ही व्यवहार करना सत्य है, नहीं। सत्य बहुत बड़ा है, सत्य की व्याख्या अनंत है, सत्य की अपनी एक दुनिया है। सत्य एक सत्य को जब एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत बहुत चीज़ें सत्य में आती हैं। सिर्फ सत्य वो नहीं जो हम सोचते हैं कि ये सच बोलना ही सत्य है, सत्य की धारणा होनी, हर चीज़ में सत्य व्यवहार करना ही सत्य, नहीं ऐसा नहीं है। सत्य की बहुत बहुत विशेषता है, सत्य की बहुत अनंत व्याख्या है, ठीक है। तो सत्य जागृत हो गया तो ऊर्ध्व गति शुरू हो गई आपकी, उसके साथ ही मन पे कार्य शुरू हो जाता है, मन स्थगित होना शुरू हो जाता है, प्राण स्थगित होने शुरू करते हैं, प्राण कंट्रोल में आने शुरू हो जाते हैं, अलोम विलोम जो जो आप बोलते हो, फिर आसन। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये अपने आप हो जाएंगे। तो मन से नीचे के जो तीन भौतिक केंद्र हैं वो अष्टांग योग के पांच अंगों को, सॉरी चार अंगों को ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पांच। जो तीन कोश हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, ये तीन कोश जो ऊपर से खुलते हैं वो अष्टांग योग के पांच अंगों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि भौतिक है। यम नियम आसन प्राणायाम यानी कि प्राणमय कोश, आसन मतलब शरीर, पार्थिव शरीर, स्थूल शरीर, प्राणमय कोश प्राणायाम, और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अंतर्मुखी होना, यानी कि कुंडलिनी का जागृत होना और मेरा आज्ञा चक्र से प्रवेश करना प्रत्याहार। तो जैसे ही कुंडलिनी जागृत हुई तो अष्टांग योग के पांच अंग क्यों सिद्ध हो गए अपने आप, क्योंकि मैंने अंदर कर लिया, प्रत्याहार में चला गया। तो जो व्यक्ति प्रत्याहार में चला गया उसका यम नियम आसन प्राणायाम तो नीचे का है, वो तो अपने आप हो जाएगा, गुरुदेव ने कहा ना ये तो अपने आप हो जाएंगे, तो ये विज्ञान है। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा मैं विज्ञानमय कोश में जाके खुलूंगा, लेकिन विज्ञानमय कोश में खोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सत्य अभी प्रकट नहीं हुआ। साधना तो मैं करता हूँ लेकिन बातें भी बहुत करता हूँ इधर उधर की, तो सत्य जागृत नहीं होगा। तो तब तक क्या होगा भाई, साधना तो कर रहे हैं भाई, सत्य तो जागृत नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने मन पे कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने प्राण पे कार्य कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर पे कार्य कर रहा हूँ। इसलिए लोगों को क्रियाएं होती रहती हैं 20 साल 10 साल,
बोले यार कुछ नहीं हुआ, हमें तो कुछ बदलाव ही नहीं आया, हमें तो समझ ही नहीं आता क्या सत्य जागृत नहीं होता तो बदलाव आता नहीं। तो ऊर्ध्व गति करने का सिर्फ एक ही टूल है, वो है सत्य का जागृत होना आपके अंदर। और होता है लोगों में बहुत जो सीरियसली साधना कर रहे हैं आजकल, तो बहुत लोग कहते हैं कि झूठ बोलने से डर लगता है। वो प्राइमरी स्टेज है सत्य को बताने की, कि सत्य क्या है, कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता किसी चीज़ों को, या फिर मैं वो व्यवहार नहीं कर सकता जो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ मैं वही व्यवहार करूँगा, अगर मैं अलग व्यवहार करता हूँ तो मैं झूठ है। ठीक है, तो सत्य की पहचान इनिशियल स्टेप पे, पहले स्टेप पे यही है कि जो है उसे ही दिखाया जाए, जैसे हो वैसा ही व्यवहार करो, इधर कुछ और उधर कुछ और नहीं करके, और जितना हो सके सत्य की धारणा शब्दों में लाओ, क्योंकि शब्द ही हमारा निर्माण करते हैं, विचार ही हमारा निर्माण करते हैं। ये निम्न स्तर की प्रगति है। और अच्छा, तो मैं बता रहा था कोषों के बारे में। तो अब क्या हो गया, चेतना के जो साधना है वो दोनों तरफ बढ़ती है, ऊपर भी नीचे भी, और जिनकी ऊपर नीचे दोनों साधना हो रही है वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, और जो कहते हैं मेरा अभी ध्यान नहीं लगता तो उन्हें सिर्फ अपनी साधना पे जरूर केंद्रित करना चाहिए। कई बार मन ऐसी स्थितियों में व्यस्त होता है कि उसे कंट्रोल करने में समय लग जाता है, ये आपके ही कर्म प्रारब्ध है जिसकी वजह से वो चंचल है। कर्म प्रारब्ध की वजह से ही मन चंचल होता है, शैतानी करता है। जिसके कर्म बहुत ही सिंपल व्यक्ति होता है उसका मन चंचल नहीं होता, उसको कंट्रोल जल्दी किया जा सकता है, लेकिन कई बार हमारे विचार ही हमारे मन को बड़ा चंचल बनाते हैं। तो इसलिए उसकी चंचलता भंग करने के लिए एक बंदर को आसानी से बिठाना आसान नहीं है, बंदर को आप नियम कानून में नहीं बांध सकते, बहुत मुश्किल है। तो मन को बंदर की संज्ञा दी गई है, इसीलिए दी गई है। तो कई बार समय लग जाता है। ठीक है, तो सत्य प्रकट हो गए से सत्यमय कोष का रास्ता आपका खुल गया ऊपर। अब होता ये है कि जो हम जब ऊपर जाते हैं, जैसे विज्ञानमय कोष से फिर हम लोग आनंदमय कोष में जाते हैं, तो आनंदमय कोष में ये नहीं कि बड़े बड़े आनंदमय है भैया, सब गुरु कृपा है, वाह क्या बात है, आनंद है, ये आनंदमय कोष की व्याख्या नहीं है। आनंद ऐसा नहीं होता। ठीक है, आनंद से रहना जीवन में बस गुरुदेव ही गुरुदेव है, न दुख महसूस होता है न सुख महसूस होता है, लोग आनंद की ऐसी व्याख्या करते हैं, लेकिन आनंद ऐसा नहीं है। आनंद को लोग शांति से कंपेयर करते हैं, आनंद में जीवन है, शांति है, लेकिन आनंद में भी बहुत चीज़ें हैं, आनंद में बहुत विचार हैं। अगर विचार नहीं होते तो आनंद लास्ट कोष होता। आनंद में बड़े ही आध्यात्मिक विचार कह लो या बदलाव के विचार कह लो, ज्ञान क्योंकि उससे नीचे है तो ज्ञान उमड़ता है आनंद में। आनंद को समझाएगा कौन, कैसे पता चलेगा वो आनंद है, ज्ञान के बिना कैसे पता चले, एक अज्ञानी को कैसे पता चलेगा कि ये आनंद है ये नहीं है, कैसे पता चलेगा, ज्ञान से पता चलेगा ना। तो ज्ञान का विस्तार होता है आनंद में, और जब ज्ञान का विस्तार होता है तो आनंद में बहुत सारी चीज़ें घटित होनी आवश्यक है, बिना ज्ञान, ज्ञान जहाँ होगा वहाँ तो चीज़ें घटित होंगी। तो आनंद शांति वाला, आप सोचोगे जीवन में बड़ी शांति है तो आनंद है, तो शांति वो आनंद नहीं है, आनंद कुछ और है। आनंद दुख में भी घटित होता है, बहुत दुख है जीवन में वहाँ भी आनंद घटित हो सकता है, तो दुख में तो शांति होती नहीं, तो दुख में जब शांति नहीं है लेकिन दुख में आनंद घटित हो सकता है तो कैसे संभव है हम कहते हैं शांति है आनंद है। तो शांति और आनंद एक चीज़ नहीं है। इसकी व्याख्या मैं क्यों दे रहा हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में था 23 तारीख को 24 तारीख को, दो ही दिन मेन थे ना, 23 तारीख को संध्या वंदना थी, संगीत कार्यक्रम था, और 24 को गुरुदेव का ये था, दो कार्यक्रम था। 23 और 24 को मैं हॉस्पिटल में था दो दिन, तो मैं उस समय अंधकार में हूँ, मैं होना चाहता था कहाँ, पलाना में, लेकिन मुझे डाला कहाँ गया, कारागार में। हॉस्पिटल को मैं कारागार ही मानता हूँ। तो वो दो दिन मैं अंधकार में था, दुख भी है, इसे आप दुख भी कह सकते हो, शारीरिक दुख है, और घर वालों से दूर, कोई संपर्क का कोई तरीका नहीं, मोबाइल टोबाइल कुछ नहीं, और नाद तो आप वहाँ सुन नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे एक मशीन चलती है पीछे, और वो मशीन कंटिन्यूसली एक धुन बजाती है, दे दे 10 टका, दे दे 10 टका, ऐसा ही कुछ चलता रहता था, मुझे वैसे ही लग रहा था। तो उसकी टोन थी, दे दे 10 टका, दे दे 10 टका, ऐसे चलती थी, तो मेरा ध्यान वो मशीन खींचती थी, तो नाद सुनने का तो वहाँ कुछ मतलब नहीं बनता था।
अपना नाद सुन सकते, तो मंत्र जपा मैंने वहाँ पर। मंत्र जपते हुए बड़ा मैं व्याकुल भी हुआ, तो आनंद घटित हुआ वहाँ पर। तब मैंने समझा आनंद दुख में भी घटित हो सकता है, शांति आनंद के बाद घटित होती है, आनंद से पहले नहीं होती। तो जहाँ शांति है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ आनंद, आनंद वहाँ पर है कि नहीं है, दोनों को एक साथ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक के बाद दूसरा घटित होता है ज़रूर। शांति अगर हो और मन स्थगित हो जाए, आंतरिक शांति की बात कर रहा हूँ, बाहर शोर शराबे की शांति नहीं कर रहा हूँ, उससे आनंद घटित हो सकता है। अगर आनंद में है तो शांति ऑब्वियसली है, लेकिन सिर्फ शांति है तो उससे आनंद घटित हुआ है कि नहीं हुआ, ये इसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि शांति के बाद शांति घटित नहीं होगी तो आनंद तो पता ही नहीं चलेगा। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं व्याकुल था, तो मैंने कहा कि कहाँ एक तरफ इतना उजाला और कहाँ ये अंधकार। तो मेरी आंतरिक प्रेरणा मुझे यही हुई कि मैं कहाँ नहीं हूँ, जिस अंधकार में मैं तुझे लाया हूँ उस अंधकार में ही प्रकाश करना है। साधना ही अंधकार को, अंधकोशों में प्रकाश की ही साधना है। अगर अपने जीवन के सबसे दुखदायी समय में, अपने जीवन के सबसे अंधकार समय में तू प्रकाश की, प्रकाश को नीचे ला सकता है, अपने आनंद को नीचे ला सकता है, अपनी शांति को नीचे उतार सकता है, इस समय अगर तू शांत हो सकता है तो साधना का कोई मतलब है। नहीं तो चल जा, कहाँ जाना है, पलाना जाना है, जा जहाँ जाना है जा, लेकिन तू वहाँ तो उजाला है ही, वहाँ तो तू प्रसन्न ही रहेगा, यहाँ पर शांत होके बता। ऐसी प्रेरणा मुझे उस समय, और मुझे असीम शांति की प्राप्ति हुई उस समय। और शांति की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मैं आनंद को जानूं। तो उस समय अंधकार में भी मेरे पास शांत होने के सिवाय कोई तरीका, कोई और दूसरा रास्ता था नहीं। अब ये सब जो घटना घटी, ये सबके साथ नहीं घट रही, मेरे साथ घट रही है। इसलिए घट रही है क्योंकि मैं दृश्य दृष्टा भाव से उन चीज़ों को देख सकता हूँ। उजाला है कहाँ, अंधेरा है कहाँ, मैं ये देख सकता हूँ। और मेरी मन की अवस्था इस समय विचलित है, ये भी मैं देख सकता हूँ। और मेरी मन की अवस्था शांत हुई सिर्फ ऊपर से जो शांति उतरी उसकी वजह से, बाहरी शांति से मेरा नहीं हुआ। तो मैं वहाँ पर 23 और 24 तारीख को शांत हो गया था एकदम। मुझे लग रहा था कि मेरी स्थिति सबसे बेहतर स्थिति है, जिस एकांत में मैं हूँ, जिस कनेक्टिविटी में हूँ, इस कनेक्टिविटी में कोई नहीं, क्योंकि उजाले में तो सभी देखते हैं, लेकिन जो अंधेरे में देख सकता है वो ज़्यादा बेहतर जगह है। तो जो ऋषि अरविंदो जो बात करते हैं, जिस योग की उन्होंने बात की है, उन्होंने उठने की बात नहीं की, उन्होंने कहा मैंने चेतना को नीचे बुलाया है, गुरुदेव को नीचे बुलाया है, ताकि नीचे के जो अंधकार के केंद्र हैं, आपका मन जहाँ अशांति, वो जो आनंद से घटित होने वाली शांति है ना, वो उसको उतारना है मन की अशांति में, वो परिवर्तन करना। प्राणों में जो अस्थिरता है उसमें नीचे चेतना उतरेगी, शरीर में जो व्याधियां हैं उसमें चेतना नीचे उतरेगी। तो पूर्ण योग का जो महत्व है वो चेतना को अंधकार में उतारना है। लेकिन अगर मैं अंधकार जानता नहीं, अंधकार मैंने देखा नहीं, तो मैं कैसे चेतना को वहां उतार सकता हूं? तो मेरे लिए अंधकार को जानना जरूरी है, ताकि मैं उस अंधकार में ध्यान कर सकूं, उस अंधकार में अपनी उस गुरुदेव की उस चीज़ को, शांति को नीचे उतार सकता हूँ कि नहीं उतार सकता हूँ, उसके बाद मुझे अनुभव कैसा होता है। तो सही मायने में देखा जाए तो ध्यान असली उन दो दिनों में मेरा वहाँ पर, और मैंने ध्यान लगाया नहीं, ये सब आंतरिक घटनाएं हैं सारी की सारी। तो जो कोश की बात सुनी आपने, पूछी है ना, ये समझ लो कि चेतना एक कोश से नीचे कोश उतरती है, लेकिन ये सब अनुभव करने के लिए जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। सभी लोग तो नहीं चाहते कि कठिनाइयाँ, मेरे जीवन में कठिनाई एक अलग रूप से आई, हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ अलग रूप से आती हैं। अंधकार का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो साधना है हमारी वो ऊर्ध्व गति करने की है, जब प्रकाश हो गया तो उस प्रकाश को नीचे भी लाना है, और जब नीचे आती है चेतना तो जीवन अस्त व्यस्त होता है, साधना रुकी हुई महसूस होती है, नाम जप नहीं हो सकता और ध्यान नहीं लगना और
जीवन में व्याधियां आ जानी है, प्रॉब्लम्स आ जानी है, बाहर सारा संसार सुखी दिखेगा आपको, मेले लगे हुए हैं, लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और आप घर में बीमार पड़े हो, तो इसमें व्याकुल होने वाली कोई बात ही नहीं। ये आपका सबसे बेहतरीन समय है नीचे नीचे में उजाला करने का। एक बार अगर आपने वहां उजाला कर लिया तो आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उस अंधकार में उजाला उतर गया तो आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, फिर वो अंधकार आपको बार बार जीवन में नहीं सताएगा। लेकिन अगर आपने साधक होते हुए भी अपने अंधकारों को नहीं पहचाना और वहाँ पर अपनी चेतना को नीचे नहीं लाए और उस चीज़ में आपने वो जो आनंद कहते हैं, जो शांति का स्थापन नहीं किया, तो फिर वो चीज़ें बार बार आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो जो समय गुजरा पिछले 20 दिन में, वो कोई मामूली समय नहीं था मेरा, काफ़ी महत्वपूर्ण समय था, अध्ययन का समय था, गहन रात्रि का समय है साधना का। और एक साल पूर्व अगर हम साधना करते हैं, एक प्रकाश संयोजित करते हैं, एक प्रकाश इकट्ठा करते हैं, और एक साल बाद हमारी साधना में, किसी व्यक्ति विशेष की साधना में कुछ ऐसा समय आता है, कुछ समय के लिए जब वो अंधकार में चला जाता है, तो उसके लिए तो ये जानना ज़रूरी है कि वो एक साल के प्रकाश को तुम अब नीचे उतारो। तुम यहाँ पर सोचो, अपना जिसे कहते हैं स्वाध्याय करो, तो वो जो दुख है, जो मृत्यु दिखा रहा है, वो बदल जाएगा, एकदम उसका रूप बदल जाएगा, मृत्यु गायब हो जाएगी, और इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि ये सारा साधना का हिस्सा है। और एक चीज़ है कि कोई व्यक्ति बीमार जब होता है, ठीक है, बीमार जब होता है, एक तो ये गुरु कृपा से ही होता है, हमारे जीवन में तो सब कुछ गुरु कृपा से ही होता है, हमें तो समझना है, बाद में जो ज्ञान हमें दिया जाएगा हमें उसे समझना है। लेकिन चेतना कई बार इतनी ऊपर चली जाती है, गहरी चली जाती है, कि नीचे के केंद्रों पे हमारी जो ऊर्जा खाते हैं, पीते हैं, विचार बात करते हैं, उसकी ऊर्जा का घटन होता है, विघटन होता है, तो वो प्रस्तुत होती है। तो चेतना में कई बार हम बहुत ऊपर होते हैं, बड़े ज्ञानवान बातें करेंगे, बड़ी अच्छी बातें करेंगे, सत्संग करेंगे, ये करेंगे, तो चेतना ऊपर है लेकिन ऊर्जाएं नीचे भंगित हो रही हैं। तो एक जगह पढ़ने में आता है ऋषि अरविंद को, वहाँ पे वो कहते हैं कि रोग क्या है, रोग जो लगते हैं हमें शरीर में, वो रोग किसी विषाणु या फिर किसी कीटाणु से नहीं लगते। कोई भी कीटाणु, कोई भी विषाणु, कोई भी किसी प्रकार की भी चीज़ आपको बीमार नहीं कर सकती। इस संसार में सबसे शक्तिशाली आपका शरीर है, कोई विषाणु आपसे शक्तिशाली नहीं है। एक जगह तो वो कहते हैं कि अगर आपकी चेतना इतनी अच्छी है, आप जंगल में चले जाओ, गंदे नाली का पानी पी लो, तो वो भी आपको ख़राब नहीं करेगा, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं लगेगा, क्योंकि चेतना बहुत हाई है। तो वो कहते हैं कि रोग किसी कीटाणु विषाणु में नहीं व्याप रहता, रोग चेतना की, चेतना में है, यानी कि अचेतन में है। जहाँ चेतना है वहाँ रोग नहीं है। तो अगर मेरे शरीर को रोग लगता है, अगर मेरे रक्त में क्या घट प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो ये स्थूल शरीर की चेतना कम है, चेतना कम है, इसीलिए रोग लगा। मुझे किसी मच्छर ने काटा इसलिए मुझे डेंगू या डेंगू हुआ, वो बात नहीं है। बात यह है कि उस समय मेरी चेतना शरीर में कम थी, आध्यात्मिक रूप से हो सकता है कि उस समय ज़्यादा हो, मानसिक रूप से हो, लेकिन इस रूप में नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जीवन में, जो ऋषि अरविंद ने एनालाइज की, कि हम जब ऊर्ध्व गति करते हैं तो एक स्थान पे जाके हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सार्वभौम सत्ता को हमने सबसे नीचे के केंद्र में जागृत करना है, यानी कि इस शरीर में केंद्रित करना है, इस शरीर में जागृत करना, जो चेतना यहाँ पे निवास कर रही है सबसे ऊपर, उस चेतना को सबसे नीचे के कोष में लाना है। जो आपने कोष की बात पूछी है ना, तो हमारी यात्रा है सत्य को पार्थिव में लाने की, धरती में लाने की, अन्नमय कोष में सत्य को स्थापित करने की। अभी सत्य कहाँ है आपका, कहाँ है सत्य, शुरू कहाँ से होता है, हृदय से, आत्मा जागृत होती है। तो सत्य की जो अभी पकड़ है वो ऊपर के 4 कोषों में है, उसी सत्य को नीचे लाना है, मन में, प्राण में और अन्नमय कोष में, ये इसको चेतन करना है। तो सत्य के अलावा और कोई भी
कोई भी चेतना नहीं होती सत्य के अलावा, कुछ नहीं, नीचे सत्य ही है जिसे नीचे उतारना है हमने। लेकिन पहले सत्य कहाँ निवास कर रहा था पूर्ण रूप से? यहाँ पर। तो पहले क्या करना पड़ता था? असेंड करो, यहाँ तक पहुँचो, इस सत्य की चेतना को फिर नीचे लेके आते थे योगी। अभी क्या हुआ, ऋषि अरविंदो ने हमारे लिए क्या, उतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा सत्य को लेने के लिए, मैं सत्य को नीचे लेके आता हूँ। तो गुरुदेव नीचे आए, अब हमें ऊपर नहीं जाना पड़ता। तो हम गुरुदेव से जुड़े तो हमें वो चीज़ प्राप्त हो गई जिसे जानने के लिए योगी यहाँ जाते थे, हमें सहस्रार की यात्रा नहीं करनी पड़ रही उस चीज़ के लिए। हमें गुरुदेव मिल गए और वो मंत्र मिल गया जिसकी ऋषि अरविंदो ने घोषणा की थी कि दूसरा मंत्र संजीवनी मंत्र होगा। तो वो संजीवनी का अर्थ है, संजीवनी का अर्थ किसे है? नीचे के तीन कोशों को है, मन को, प्राण को और शरीर को है। तो संजीवनी मंत्र हमें जो यहाँ पर है, जो हम मंत्र जपते हैं गुरुदेव कहते हैं यहाँ स्ट्रोक लगेगा, यहाँ स्ट्रोक लगेगा, तो वो संजीवनी मंत्र यहाँ की चीज़ है, कल्पतरु का वो फल है जो यहाँ है। तो उसको लेके गुरुदेव ने हमें दे दिया मन में, सीधा मन तक लेके आ गए। यानी कि सत्यमय कोश, चित्तमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश डिसेंड कर गया सत्यमय कोश से। कहाँ डिसेंड कर गया? सीधा मन में कर गया, मन मनोमय कोश में। तो गुरुदेव ने कहा ये मंत्र तुमने मन से जपना है। तो जिस सत्य की बात हम ऊपर कर रहे थे उसको डिसेंड करवा दिया गुरुदेव ने, सीधा मन में लेके आ गए। यानी कि हमें असेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, हम अब हमारे पास जो असेंड करके जो मिलता है वो ऑलरेडी है, और अब हमें मन को जागृत करना है, प्राण को जागृत करना है, और फिर लास्ट में अंतिम मूलाधार जागृत होगा। तो अंत में आपका मूलाधार जागृत होगा सहस्रार। अगर कोई कहे कि मैं सहस्रार पे पहुंच गया हूं, तो वो उसकी बड़ी स्थिति नहीं है। अगर आप कहो कि मैं मूलाधार को जागृत कर चुका हूं, तब कहेंगे मान गए भाई, क्या कमाल कर दिया आपके गुरु ने, कमाल कर दिया। तो मूलाधार का चेतन होना हमारे लिए हमारी साधना है, है ना? मूलाधार सबसे नीचे का है। तो हमारी जो शरीर है, ये शरीर में जो बीमारियां आज लगी हैं, इस ये अंधकार में गया, उस चेतना को वहां दो दिन रखा, उजाला हुआ, समझ में आया कि बीमारियां क्यों लगती हैं, चेतना क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे सेशंस में एक्सप्लेन करेंगे। उस चीज़ को सत्य का विस्तार हुआ, चेतना का विस्तार हुआ, चैत्य केंद्रों का विस्तार हुआ, साधना की एक सीरीज़ क्या है, कैसे चलती है साधना, वो ज्ञान हुआ। तो और भी स्पष्ट हुई चीज़ें, और भी क्लियर हुई चीज़ें। तो जो सात कोश हैं, इनको समझना ही नहीं, बल्कि आप सिद्ध योग में इनकी यात्रा कैसे करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। किसी एक गुरु भाई ने मुझसे पूछा था एक बार कि सात कोशों की आप व्याख्या करो। उदय राव जी हैं, वो पुणे से हैं, आजकल तो नहीं जुड़ते सेशन से, पहले जुड़ते थे। उन्होंने मुझे बहुत पहले पूछा था, तो मैंने कहा था हाँ बात करेंगे, लेकिन उस समय अगर मैं बात करता तो शायद इतनी डिटेल में बात होती नहीं। ये अपने आप घटित होने वाली चीज़ें हैं, ये ज्ञान गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है और वो अपने आप घटित होता है। तो आज अगर मैं कहूँ कि सात कोशों की अगर व्याख्या की जाए, जैसे बच्ची ने आज पूछा सोनी ने, तो यही सात कोशों की व्याख्या है चेतना के हिसाब से। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। अगर आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है तो आप प्रश्न पूछो इस पे, अभी इसी सब्जेक्ट पे आप प्रश्न पूछो अगर आपको डिफ़िकल्टी लग रही है कुछ, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो ना कोश पे तो अभी पूछ लो, इस समय वही टॉपिक चल रहा है। एक मिनट। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। उन्हें पंखा बंद कर दो, यहाँ पर पंखा बंद कर दो। हाँ जी। साधक की साधना में जैसे हम कहते हैं कि गुरुदेव से जैसे हम कुछ मांगना नहीं है या हमें इच्छा ही नहीं करनी, और वास्तव में यही सत्य है कि अगर हम कुछ मांगते हैं या इच्छाएं भी अगर प्रकट होती है, तो यहाँ ये चीज कंफ्यूज करती है कि जैसे गुरुदेव ने कहा है कि कुंडलिनी शक्ति आपके मन, प्राण, शरीर और बुद्धि को अपने वश में लेकर कार्य करती है, उसमें मन भी आ गया,
फिर मन जब अच्छी बातें सुनता है, साधना की बातें सुनता है, तो वहां ये भाव प्रकट होता है कि मेरी साधना आगे कब बढ़ेगी और इतनी मतलब इतना लंबी सी यात्रा है। तो वहां पर दो उत्तर प्राप्त होते हैं कि एक तरफ से तो हमें भाई गुरुदेव कर रहे हैं नाम जब ध्यान और हम कर रहे हैं और बस फिर भाव से बैठे रहो, लेकिन उसके बावजूद भी उस इच्छा को दबाए रखते हैं कि नहीं, लेकिन तो भी गुरुदेव से कभी ऐसा कहना हो, ऐसी अंतर मन में इच्छा है, मन में तो प्रकट हो जाती है कि गुरुदेव अब तो साधना को थोड़ा और जल्द आगे बढ़ाओ, या जैसे दृष्टा भाव है तो स्थिर कब हो जाएगा, ये चीजें। तो ये जो जिज्ञासा है ये इसको हम क्या संज्ञा देंगे कि अब ये इच्छाएं हो जाती है, तो ये भी तो एक प्रकार की इच्छा है और इच्छा है तो बंधन का कारक है। तो यहाँ कंफ्यूजन ये रहता है कि साधना में आगे बढ़ने की इच्छा भी क्या बंधन का कारक है? ये दुख का कारक है, ये दुख का कारक है, इससे दुख प्रकट होता है, दुख पैदा होता है कि मेरी साधना आगे नहीं बढ़ रही है। अगर हम कहेंगे ना गुरुदेव हमारी साधना आगे बढ़ाओ तो दुख प्रकट होगा। अच्छा, जीवन नहीं, अब कहे तो नहीं लेकिन भाव हो जाए, लेकिन गुरु को कह तो नहीं सकते, क्योंकि अब एक बात बोल दी कि गुरुदेव जो आपकी इच्छा हो वही करना, वो मैं बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो जब उनकी मर्जी के उनके हिसाब से जो चल रहा है उसके बावजूद भी मन में उठने वाले जो भाव है, तो वो तो कुंडलिनी शक्ति ही भाव भी तो वही पैदा कर रही है ना। अगर हम कहे गुरुदेव ने बोल दिया है ना कि कुंडलिनी माता कुंडलिनी है, वो आपके मन प्राण शरीर और बुद्धि को अपने वश में लेकर कार्य करती है, तो जब मन वो कुंडलिनी शक्ति के वश में है, फिर उसी मन में जो कि उनके वश में है ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो इनडायरेक्टली तो वो गुरुदेव ने ही वो भाव दिए। और फिर ये रहता है कि मैं गुरुदेव को कहूं तो नहीं, क्योंकि कहूं तो फिर डिमांड हो गई तो वो तो अनुचित है, क्योंकि गुरुदेव तो करना तो वही है, गुरुदेव को बोला है कि आपको जो उचित लगे साधना में कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से बढ़ना है। तो यहाँ पर एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, ये कर तो कुंडलिनी द्वेत हो गए ना, कुंडलिनी शक्ति कर रही है, मन में भाव आ रहे हैं, गुरु जी को कहना नहीं है, साधना को आगे भी बढ़ाना है, जिज्ञासा अंतर मन में हिलोरे ले रही है कि साधना और जल्दी आगे कैसे बढ़े, मैं पीछे रह जाऊंगा, या जैसे आप बात करते हो या कहीं और से, मैंने ओशो को भी थोड़ा सुनना शुरू किया, उनकी बात सुनते हैं अष्टावक्र गीता के बारे में, तो वो भी क्या कह रहे हैं कि मांगना तो कुछ है ही नहीं, करना तो कुछ ही नहीं है, बात यहाँ आके अटक जाती है। अब जब कुछ नहीं करना है और जब जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, तो ये स्थिर वो गुरुदेव कहते एक क्षण भी नहीं लगेगा, पर वो साला क्षण कब आएगा, वो प्रॉब्लम वो है कि वो क्षण कब आना। अब उसके लिए अब कर्म तो कुछ दूसरा तो नहीं करना है, उसके लिए कर्म तो यही है कि नाम जप और ध्यान करो या नाच सुनो, एक्स्ट्रा तो कुछ करने का वैसे कहा नहीं, लेकिन उस स्थिति में स्थिर रहना ये भी एक यूं कठिन सा लग रहा है कि कैसे स्थिर रह जाएगी, अब आगे बढ़ना भी चाहते हैं, फिर यही रहता है कहीं मेरे से गलती तो नहीं होगी, लेकिन जब मैं सोचूं कि मेरे से गलती हुई तो मैं करता हो गया, जब मैं करता हो गया तो वापस गड़बड़ हो जाती है, तो मैं करता नहीं हूं, उसके बावजूद भी मन में प्रश्न ये बनता है कि मन में उत्पन्न होने वाले साधना के प्रति आगे बढ़ने की जो जिज्ञासा है वो गुरुदेव को कहनी तो नहीं है, उसके बावजूद भी अब वो उत्पन्न हो रही है, अब वो तो कुंडलिनी शक्ति उत्पन्न कर रही है, तो ये क्या साधना का ऐसा कैसा भाग ये है, उसके अंदर बड़ी विडंबना पैदा होती है, इसके बारे में क्या मेरे अगर भाव को अगर आप समझे हैं तो बताया है इसके बारे में। जो आप कह रहे हो ना, ये देखिए, हम जब परिवर्तनशील, जैसे ऋषि अरविंदो कहते हैं कि संक्रमणकालीन या संक्रमणशील व्यक्ति है, मतलब वो परिवर्तन जो हमें जब आता है तो हम सोचो 0 से स्टार्ट करते हैं और हमें 10 तक पहुंचना है, तो जब तक हम 10 तक नहीं पहुंचते तब तक हम पूर्ण चेतना नहीं है, हम उस आत्मा का जो परमात्मा है उसमें पूरी तरह विलीन नहीं होते, तब तक हम उसका एक अंश की तरह ही एक ट्रेवल करते हैं रास्ते में। तो जब हम रास्ते में ट्रैवल करते हैं तो जब ये विचार आता है कि मेरी जो ट्रैवल है ये थोड़ी तेज कैसे हो सकती है, कौन सी ऐसी विधि है जिससे ये तेज हो जाए, यही क्वेश्चन है ना आपका। कि मैंने जब कहा कि अगर हम गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरी गति थोड़ी तेज हो जाए तो उससे दुख प्रकट होगा जीवन में, ठीक है, और ये सत्य है, मेरे अनुभव में ये सत्य है। अगर आप कहते हो कि चलो प्रार्थना नहीं करते गुरुदेव से लेकिन भाव ही प्रकट हो गया कि गुरुदेव मेरी साधना ही तेज हो जाती, लेकिन कहा नहीं गुरुदेव से लेकिन भाव प्रकट हो गया कि
साधना और अगर तेजी से होती और हमें वो चीज़ें अनुभव होती जिसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई संतों ने बताया है कि ये होता है वो होता है जो आज हमें फील नहीं होता है, तो वो कैसे होगा? तो विचार अगर आ जाए तो वो विचार कुंडलिनी का दिया हुआ है या फिर कुछ नहीं है। तो ये जो विचार है ना, ये विचार भी आपकी साधना का हिस्सा ही है। आप अपनी साधना के बारे में विचार करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साधना के विचार भी एक समय के बाद आपके ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली वो एक समय आएगा आपके पास जब आपका साधना का विचार नहीं रहेगा। स्पेसिफिकली जो एक संक्रमण हमने आज कुछ दिनों पहले छेड़ा है वो है अष्टावक्र गीता का। अष्टावक्र गीता जब मैंने पढ़ी और मैंने आप सबको भी बताया कि अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए, तो अष्टावक्र गीता आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें हमें धैर्य वो जो सिखाते हैं, अष्टावक्र गीता जिस क्षण की बात करते हैं, राजा जनक जिस क्षण में है वो कैवल्य के एक पग नीचे हैं। सिर्फ हम वहाँ नहीं हैं, हम साधना में हैं। अगर हम पतंजलि अष्टांग योग को देखें तो पहले समाधि पाद तो एक्सप्लेनेशन ही है। पहला पद है साधना, फिर है विभूति, फिर है कैवल्य पद। ये तीन पद बहुत बड़े हैं। राजा जनक कैवल्य पद की एक सीढ़ी पे नीचे हैं, वो ऑलमोस्ट कैवल्य पद पे ही है, सिर्फ उनका एक आवरण है और कुछ नहीं। तो अष्टावक्र गीता जिस उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है जिस चीज़ को पतंजलि अष्टांग योग एक्सप्लेन नहीं करता। तो जब कोई पतंजलि अष्टांग योग को पूर्ण रूप से समझ लेता है, पढ़ लेता है, तब अष्टावक्र गीता उसके जीवन में अगर आए तब वो कैवल्य पद समझ सकता है। लेकिन हमारे जीवन में हम राजा जनक वाली उस स्थिति में नहीं है। गुरुदेव ने भी ये बात सत्य ही कही है कि काम तो एक क्षण का ही है। तो वो कैवल्य की बात करते हैं कि आपने साधना कर ली, विभूति कर ली, सिद्धियाँ प्रकट होगी। अगर आप राजा जनक के बारे में डिटेल में पढ़ो, कहीं आपको पढ़ने में मिले, तो आपको उनके बारे में पता चलेगा कि वो क्या थे, उनको कौन कौन सी सिद्धियाँ प्रकट थी या क्या ज्ञान प्रकट था। अगर फिर आप देखोगे, अपने आप को देखोगे, तो आपको लगेगा कि मैं राजा जनक के मुकाबले कुछ भी नहीं, इसलिए वो क्षण मेरे जीवन में अभी नहीं आया। ठीक है, इसीलिए अष्टावक्र गीता आज आप पढ़ोगे लेकिन आपको उसका रस प्राप्त नहीं होगा। आपको उसकी जानकारी और उसकी शुदा एक शुदा जो हमारे अंदर है वो तृप्त हो जाएगी, लेकिन उसका रस आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे खेचरी मुद्रा से आपको वो रस प्राप्त होता है, वैसे ही किताबों का और ग्रंथों का अपना एक रस होता है जो उस स्थिति में ही जाके प्रकट होता है, उस चेतना के चैत्य केंद्र में ही प्रकट होता है। तो आप जितने भी लोग इस समय अष्टावक्र गीता को पढ़ रहे हो, तो आप इस समय कैवल्य पद को जान रहे हो। केवल गुरुदेव आपको कैवल्य पद के बारे में बता रहे हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि हम कैवल्य पद के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए हमारी किसी भी प्रकार की मनोवस्था की हम इस अवस्था में प्रकट हो जाए नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, हमारी जिज्ञासा अंदर प्रकट हो सकती है कि हमारी साधना तीव्र हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो जो विचार आपके अंदर प्रकट हुआ है ये कोई खराब विचार नहीं है, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करने लगते हो गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरी साधना को गति दो, मेरी साधना को तीव्र गति करो, तब आप डेफिनेटली दुख का आमंत्रण है। क्योंकि साधना का ऊपर उठने का अर्थ है जब मैं पहाड़ चढ़ूंगा तो ऑब्वियसली तो मुझे कष्ट करना पड़ेगा ना ऊपर चढ़ने के लिए। वायु कम हो जाएगी ऊपर जाके, सांस लेने में कष्ट हो जाएगा, मेरे पास तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। तो जब मैं ऊपर उठने की बात करता हूँ तो साथ में चेतना हमारी सिर्फ ऊर्ध्व गति नहीं कर रही, क्योंकि हम मूलाधार से नहीं उठ रहे, हम अन्नमय कोष से नहीं उठ रहे, हम विज्ञानमय कोष से द्विजी यात्रा कर रहे हैं। ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। तो अगर आप कहते हो कि मेरी साधना को गुरुदेव ऊपर उठाओ, तो इसका अर्थ है कि आप अपने आप को अंधकार के नीचे के केंद्रों में ले जाने की भी प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि द्विजी यात्रा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नीचे वाली यात्रा रोक दो गुरुदेव, खाली ऊपर वाली करो। हमारी यात्रा ऊपर जाने की है ही नहीं, प्रकाश लाने की है नीचे, हमें ऊपर से प्रकाश लेके नीचे जाना है। तो अगर मैं कहूँ मेरी यात्रा को आगे बढ़ाओ, तो इसका अर्थ है ले बेटा प्रकाश, प्रकाश पकड़, चल नीचे जा। तो यानी कि मुझे अंधकार में जाना पड़ेगा, मेरे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा मुझे। इसीलिए अगर आपके मन में सिर्फ विचार भी आता है तो वो गुरुदेव को समर्पण, जैसे आप करते हो, आप गुरुदेव को समर्पण करते हो, हे गुरुदेव ये तो एक विचार है कि साधना है। और साधना का सबसे बड़ी चीज़ है कि साधना है। हमारे लिए खुशी की बात जहाँ पर है वो ये कि पहले ऋषि अरविंदो से पहले साधना जब शुरू की जाती थी तो सिर्फ इस शरीर के लिए शुरू नहीं की जा सकती। पहले के ऋषि अरविंदो के पहले के समय की जो साधना है वो एक शरीर की साधना नहीं है, वो चेतना की साधना होती थी कि मैं इस जन्म में जहाँ तक भी पहुँचूँ अगले जन्म में उससे आगे पहुँचूँ, इस तरह से यात्रा की जाती थी। तो कई जन्मों के बाद योगी जीवन प्राप्त हुआ, जैसे हमें हुआ।
तो हम जो साधना करके आए हैं, कई जीवन की करके आए हैं, ये एक जीवन की यात्रा नहीं है। ऋषि अरविंदो ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो यात्रा है, जहाँ पर आप हो, अगर ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो जिसको मैं नीचे ला रहा हूँ, वो आपको इसी जीवन में देगा। उन्होंने मृत्यु के बाद वाली आराधना को कह दी नहीं, मृत्यु को एक्सटेंड करेंगे। ऋषि अरविंदो ने परिवर्तन क्या किया, पहले की साधना होती थी कि मेरे पास जितना भी जीवन है वो मैं साधना करूं, अगले जीवन में उससे आगे शुरू करूं। ऋषि अरविंदो ने कहा कि ये मतलब ही पैदा नहीं होता कि मैं साधना कर रहा हूं और मृत्यु बीच में आ जाए, मृत्यु को सरकाओ, पीछे करो, मैं साधना कर रहा हूं। तो ऋषि अरविंदो की ये चीज़ हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है कि अगर आप इस जीवन में हो और आपको गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो नीचे अवतरण हुआ जिनका, उनका संजीवनी मंत्र आपको मिल गया, तो बीमारियों से, कष्टों से, रोगों से आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, वो एक्सटेंड हो जाएगा, रोग आपकी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे और शरीर आपका नीचे जो चेतना उतर रही है वो क्या कर रही है, संजीवन कर रही है शरीर को। यानी कि शरीर का विघटन होता है ना, 60-70-80 साल में हम लोग वीक पड़ने शुरू, वो नहीं होगा। किसी भी प्रकार का रोग ही शरीर को क्षीण करता है, तो वो क्षीण नहीं होगा, संजीवनी मंत्र का अर्थ ही यही है। तो अगर आप अपनी साधना को समझ रहे हो तो जल्दबाजी मत करो, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी मत करो, किसी प्रकार की जल्दबाजी की कामना मत करो, वो मृत्यु नहीं होगी। एक अच्छा जो साधक है, जो अपनी चेतना को समझ जाएगा, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक समय लगता है साधना के, एक चेतना केंद्र में पहुँचने का एक समय लगता है, ठीक है। अब मैं अगर आज ये बात कर रहा हूँ तो आज मुझे यहाँ 7 साल लग गए यहाँ पहुँचने के लिए, जिनमें से 5 साल तो अचेतन है। गुरुदेव के मिलने के बाद चेतना प्रकट होती है, लेकिन फिर भी मैं अचेतन था 5 साल तक, साधना के दौरान मैं अचेतन था। तो अचेतनता में गुरुदेव ने क्या कार्य किए, जो आध्यात्मिक प्रोसेसेस जो मेरी बाकी थी वो पूरी करवाई। अचेतन रहते ही हो सकती थी, बाहर की पूजा अचेतन रहते हुए ही होती है। जब व्यक्ति चेतन हो जाता है तो बाहर की पूजाओं का, बाहर के देवी देवताओं का उसके लिए महत्व नहीं रहता। देवी देवताओं का महत्व रहता है लेकिन उसके जीवन में नहीं रहता, वो आंतरिक हो जाता है फिर, तो वो चेतन हो गया। तो चेतना की यात्रा अगर मैं देखूं अपने जीवन में तो 2 वर्ष ही है, अभी तो 2 वर्ष ही हुए मेरी चेतना की यात्रा को, तो मैं कैसे ये कह सकता हूं कि 2 वर्षों में मुझे वो प्राप्त हो जाए जो हिमालय में योगियों को प्राप्त हुआ। ये तो पार्शलिटी हो गई। मैं मानता हूं कि मेरी यात्रा नीचे से शुरू होकर नहीं, उनसे 3 स्टेप ऊपर से शुरू हुई है। वो नीचे से जाते थे और नीचे के ही केंद्रों में उन्हें बहुत समय लग जाता था, कई जीवन, 2 जीवन 3 जीवन 4 जीवन भी लग सकते थे, और गुरुदेव ने डायरेक्ट मुझे ऊपर से नीचे लाया, मैं ये मानता हूँ। लेकिन चेतन तो उन्होंने नीचे वाले को किया पहले, फिर ऊपर किया, तभी तो उनकी उम्र 500 वर्ष है। इसलिए है कि वो साधना के ऊपर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर पर पहले विजय पाई कि ये नहीं मरेगा, प्राण पर विजय पाई कि नहीं रुकेंगे, मन पर विजय पाई कि ये वापिस संसार में ही नहीं भटकेगा, फिर उनकी साधना शुरू हुई। तो अब विज्ञान से लेके सत्य तक साधना उनकी 1000 वर्ष में भी हो सकती है, 2000 वर्ष में भी हो सकती है, और वो 2000 वर्ष तक जीवित रहेंगे क्योंकि उन्होंने यात्रा ही पहले शरीर को मजबूत करके की है। मेरी यात्रा उल्टी है, मेरे को तो सत्य जो साधना वो ऋषि मुनि 2000 वर्षों के लिए कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए, वो तो नीचे ही आ गया मेरे लिए, तो मेरे को मिल गया। और उन्होंने जो यात्रा नीचे से ऊपर तक की है, शरीर से मन तक की है, मुझे तो उल्टी करनी है। मतलब मुझे पहले मन को करना है, फिर प्राण को, और शरीर हो जाएगा मेरा लास्ट में। तो जो योगी हिमालय में बैठा है, जो उसकी साधना की शुरुआत है, वो मेरी साधना का अंत है, मैं उल्टा आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए जो मृत्यु पर विजय है वो आखिरी है, आखिरी शत्रु है मेरा मृत्यु, गुरुदेव ने भी तो ऐसे ही कहा है ना। तो इसीलिए है क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, प्राण की मन की मृत्यु नहीं होती। तो मृत्यु मेरा लास्ट शत्रु है, इसका अर्थ है कि मुझे सबसे लास्ट में अपने पार्थिव शरीर को संजीवन करना है, ये मेरी यात्रा है। लेकिन एक हिमालय में बैठे हुए योगी की यात्रा है, पहले शरीर को कर तब तो यात्रा करेगा, क्योंकि 1000 साल की यात्रा है भैया। लेकिन मेरी यात्रा 1000 साल की नहीं है, मेरी यात्रा कुछ वर्षों की है। सिर्फ क्योंकि उनकी यात्रा तो शुरू ही होती है, गुरुदेव। जब नाम जप और ध्यान करते रहते हैं तो उसके बाद इसी जन्म में हमारा जो भी होना है गुरुदेव इसी जन्म में करेंगे, पुनः जन्म लेने की तो जरूरत नहीं है ना हमने इसमें, ये तो गुरुदेव ने
जो भी होना है ऐसे एक ही जन्म में हो जाएगा। एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज भेजा था कि मुझ में कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है मतलब सेल्फ कंट्रोल की बड़ी कमी है। कैसा व्यक्ति है, सेशन के दौरान खा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा समय है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। मैं जब खाना खाता हूँ बैठ के डाइनिंग टेबल पे, तब मैं अपने प्यारे को याद करता हूँ, अपने गुरुदेव को याद करता हूँ। जब मैं बाथरूम में होता हूँ मैं उसे याद करता हूँ। मैं अपने जीवन के 24 घंटे जो अब साधक का जीवन है उसमें मैं सारी चीज़ों को एडजस्ट करता हूँ। मेरे लिए ये सत्संग का समय भी मेरे साधना के जीवन का एक हिस्सा है। उसमें मेरा खाना पीना भी एडजस्ट है, उसमें मेरा सब कुछ एडजस्ट है। आपने देखा है लोग बातें करते हैं सत्संग की, वो पानी पीते हैं, देखा है आपने, शुदा शांत करते हैं या गले को शांत करते हैं। तो जब वो अपराध नहीं तो खाना भी अपराध नहीं हो सकता। आप किसी भी चीज़ को अपना दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत दिखेंगी, सही दिखेंगी। यही प्रॉब्लम है दृष्टिकोण की। आत्म रूप से कुछ भी सही गलत नहीं होता है। आत्मा सिर्फ सत्य को जानती है, आपके व्यवहार को जानती है। तो अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सत्य है और कुछ महत्वपूर्ण नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, किस प्रकार करता हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सत्संग वाली है कि नहीं। आपका रस सत्संग में है, मेरे व्यवहार में नहीं है, ठीक है। तो ये सत्य का विस्तार है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी कि सत्य के भी बड़े विस्तार होते हैं। सत्य का सबसे पहला विस्तार होता है कि जजमेंट खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए मेरी अगर कोई जजमेंट है तो वो सत्य का, सत्य की धारणा अगर हो गई है तो सत्य का विस्तार नहीं हुआ। सत्य का विस्तार के साथ ही अपने अंदर विस्तार होना शुरू हो जाता है। वो तब हो सकता है जब बाहर की दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाए। और बाहर बहुत कुछ है जजमेंट के लिए, लोगों का व्यवहार, लोगों की बातें, लोगों के मन, लोगों के काम, लोगों की ड्रेसेस, लोगों की चीज़ें, बहुत कुछ है। लेकिन जब वो संकीर्ण हो जाएगा, जब लोगों को जजमेंट हम करना बंद कर देंगे, उनको उन पर छोड़ देंगे, जो जैसी साधना कर रहा है विशिष्ट उत्तम अति उत्तम साधना उसके उसकी है, वो व्यक्ति अपने आप में उत्तम स्थिति पे है, इस बात को वहीं पर छोड़ दें और तब अंदर आए, तब अंदर सत्य का विस्तार होता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक गुरु भाई ने मुझे प्रश्न कहा था, तो मैं वहाँ तो जवाब नहीं दे पाया आपका, यही मेरा मंच है जवाब देने का, तो मैंने दे दिया। अच्छा, अब नरहरि भाई कुछ कह रहे थे। नरहरि भाई मैं भूल गया क्या बात कर रहे थे। भाई जब ये यात्रा है तो हम पुनः पुनः हमारा जिज्ञासा होना या कुछ भी होना है, लेकिन हमें करना है और तो कुछ है ही नहीं। नाम जप और ध्यान ही करना है, और किसी एक ही जन्म में ये गुरुदेव की गारंटी है कि ये ऐसा करते रहोगे तो एक ही जन्म में मुक्त हो जाओगे, है ना। इसमें इसमें तो कोई दूर आए नहीं है ना, ये कह रहा हूँ। तो फिर वो चिंता मुक्त हो जाएंगे कि भाई साधना भले मृत्यु के समय ही वो पूर्ण हो जाए, अंतिम समय में भी वो कैवल्य पद प्राप्त हो जाए या कभी भी हो जाए यानी, लेकिन पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यही बात है ना। ये इस साधना में, गुरुदेव की साधना में अगर कोई व्यक्ति किसी भी उम्र में जुड़ता है तो अगर वो उस चीज उस रस को समझ जाए, गुरु के प्रति चेतन हो जाए, तो मृत्यु उसका उसकी साधना का अंत नहीं कर सकती, क्योंकि ये साधना मृत्यु को जीतने की है। तो हम फाइट किसके खिलाफ कर रहे हैं, ये पूरी साधना किसके खिलाफ है, मृत्यु इस शरीर को नहीं आएगी, मेरा शरीर चेतन। गुरुदेव ने कहा ना, मेरा, लोग कहते हैं कि ये इनलाइटेड बीइंग है, लेकिन गुरुदेव ने कहा मेरा शरीर चेतन हो गया। गुर्दे, खून, ब्लड सर्कुलेशन सारे डिवाइन फॉर्म में चेंज हो गए। आपने गुरुदेव का ध्यान से सुनेंगे ना आप तो आप पता चलेगा। तो गुरुदेव ने किस चीज़ पर विजय पाई, अपने शरीर पर विजय पाई। ऋषि अरविंदो ने जो हमें दिया वो क्या, कौन सी साधना है ये, पूर्ण योग की साधना, मृत्यु पे विजय पाने की साधना। तो आप जो साधना कर रहे हो ना इस समय, आप इधर हो और मृत्यु इधर है, आपकी जो साधना है वो मृत्यु से लड़ाई हो रही है इस समय आपकी। तो अगर आपकी साधना उच्च है तो मृत्यु आपसे जीत नहीं सकती, तो आपकी साधना पूर्ण होगी, मृत्यु आपके सामने घुटने टेकेगी। अगर आपकी साधना उस रूप से नहीं चलती या उस रूप से आप नहीं कर पाते तो वो विजयी होगी, फिर नेक्स्ट जीवन में आपका वो आगे से चलेगा।
लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमारी फाइट मृत्यु से ही है। और अगर सब अच्छे साधक हो, अगर आप गुरुदेव के वो शिष्य हो जो चेतना को नीचे उतार रहे हो, तो आपकी मृत्यु आपकी साधना पूर्ण होने से पहले नहीं होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास आज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप सबको, ठीक है। और इस बात को कहने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, लेकिन मुझे उस हौसले की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मुझे सत्य की ज़्यादा महसूस होती कि मुझे यही सत्य लगता है। ऋषि अरविंदो को मैंने जितना भी पढ़ा, बहुत ही क्षणिक पढ़ा है, शायद 1-2% ही पढ़ा है उनको मैंने, अभी तो शुरुआत करी है गुरुदेव ने उनको उनके बारे में बताने की। तो अभी जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि श्री माँ की बातों से, उन्होंने कहा साधक को तीन चीज़ें ही करनी चाहिए, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु की आशंका नहीं, और मृत्यु के बारे में आपको सोचना नहीं। मृत्यु के खिलाफ ही हमारी जंग है, मृत्यु को जीतना ही हमारी साधना है। इस पार्थिव शरीर को चेतन करना, इस शरीर को इनलाइटन करना, वो सारे अंग प्रत्यंग डिवाइन फॉर्म में बढ़ती बढ़ती हो जाएंगे। आपका ये जो हृदय पंप के रूप में कार्य करता है, ये डिवाइन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये जो ब्लड फूड से बनता है, खाने से बनता है, पदार्थों से बनता है, वो डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगा। आपका सारा शरीर डिवाइन फॉर्म में बदल जाएगा। आपको ये जो अंग अभी काम कर रहे हैं, ये बाहर की स्पोर्ट से काम कर रहे हैं, और आपकी विजय हो जाएगी, तो ये सारे बदल जाएंगे डिवाइन में, फिर आप उठ जाओगे ऊपर, फिर विजय, ठीक है। तो साधक की मृत्यु नहीं हो सकती सिद्ध योग में, गुरु सियाग सिद्ध योग में, अगर वो अपनी साधनाओं को पूर्ण रूप से उसी तरीके से करता है जिस प्रकार से गुरु ने कहा है, पूर्ण समर्पण गुरु पे करके करता है, तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आपका आखिरी युद्ध ही मृत्यु के साथ है, ठीक है। और किसी भी उम्र में शुरू हो, उम्र जो है, उम्र हम कहते हैं चलो कोई 80 वर्ष का है, तो कहेंगे 80 वर्ष का कितना जिएगा, ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसने अगर शुरुआत ही 80 साल में अगर उसने हथियार ही मृत्यु के अगेंस्ट उठाया है, तो उसकी फाइट ही मृत्यु के साथ हो रही है। अब या तो मृत्यु जीतेगी या वो जीतेगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसने जो हथियार उठाया है, क्या वो सक्षम है उसे मृत्यु से जीतवाने के लिए। तो गुरु सियाग सिद्ध योग वो शस्त्र है, संजीवनी मंत्र वो शस्त्र है, जो मृत्यु से बड़ा है, मृत्यु को जीतने से बड़ा शस्त्र है, वो अमर फल है। और अमर फल का अर्थ है कि वो मृत्यु को जीत सकता है, तो उसमें वो है। लेकिन उस शस्त्र को उठाने वाला, उस शस्त्र को चलाने वाला उसका अधिकारी है कि नहीं है, ये उसका गुरु के प्रति समर्पण पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित हो, हर परेशानी में, हर सुख में, हर दुख में पहले गुरुदेव को याद करते हो, बाद में किसी दूसरे को, पहले गुरुदेव को याद करते हो, बाकी तो माध्यम बनते हैं, ठीक है, पहले गुरुदेव को याद करते हो और हमेशा गुरुदेव के प्रति ही श्रद्धावान रहते हो, गुरुदेव के प्रति ही रहते हो, तो आप मृत्यु से जीतोगे, आप मृत्यु पर विजय पाओगे, आप डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन इसी जीवन में होना संभव है। ये काम आज से नहीं शुरू हुआ, ये 24 नवंबर 1926 आज 100 साल होने वाले हैं, 1926 में 100 साल हो जाएंगे, 100 वर्षों का संघर्ष है उस चेतना को नीचे उतारा गया, ठीक है, और 100 वर्षों से पहले का संघर्ष चल रहा है, आज का संघर्ष नहीं है। तो आप वो प्रयोगशाला में आप वो हो जो, जैसे कई चूहे होते हैं ना, उन पर एक दवाई प्रयोग होती है और कोई एक होता है जो सक्सेसफुल हो जाता है, कहते वाह जी वैक्सीनेशन क्रिएट हो गई, इसने इस चूहे पे हमने प्रयोग किया था और इस ये चल गया इस पे। तो आप हम सब वो प्रयोगशाला के वो सारे चूहे हैं, मेढक हैं, जिन पे वो प्रयोग इस समय चल रहा है। एक साधक भी अगर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव कर लेता है तो वो एक बहुत बड़ा काम कर, वो एक रास्ता खुल जाता है पूर्ण रूप से। तो गुरुदेव ने जैसे कहा कि मेरा पूरा शरीर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो वो परम सत्ता नीचे उतरी है, ठीक है। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति में अगर हो जाए तो वो पूरे व्यक्ति में, पूरे संसार में बदलाव कर सकता है, ऐसा कहते हैं ना। तो ऋषि अरविंदो ने कहा कि अगर ये बदलाव एक व्यक्ति में आ जाए तो वो सारे संसार को बदलाव कर सकता है। तो गुरुदेव ने जब कहा कि मेरा शरीर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तित हो गया, तो उनका कहने का अर्थ है कि मुझ में हो चुका, मैं खुल गया, मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आ चुका हूँ, मैंने वो शरीर को रास्ता दिखा दिया, मैंने मृत्यु पर विजय हासिल कर लिए, ठीक है। बाकी तो उनकी लीला थी, उनका जीवन, ठीक है, क्योंकि वो गुरु का जीवन है। और असली परिवर्तन उनके शिष्य दिखाएंगे, वो परिवर्तन अब उनके शिष्य में जब जिस दिन आ गया, वो शिष्यों के लिए पूरा रास्ता खोल देगा। लेकिन एक धरती के लिए रास्ता गुरुदेव ने खोला आके, जिस चीज़ को धरती ने मांगा था कि मुझे इस पार्थिव शरीर को पूरा डिवाइन कर दो, तो वो गुरुदेव ने कर दिया, वो नीचे आके पृथ्वी की वो मांग पूरी कर दी। अब उसको संक्रमण में हमें दिया गया, जिसे कहते हैं वायरस। तो वो वायरस जो है
सिद्ध योग का वायरस हमें दिया गया है, तो जो गुरुदेव का परिवर्तन है जो उनमें हुआ वो हम में होना अनिवार्य है, यही इस योग की शर्त है। इसकी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ही मेन मुद्दा है, ठीक है। तो आप अपनी उम्र को लेके बिल्कुल चिंतित ना हो जाओ, आपके पास जो शस्त्र है वो किसी भी उम्र में अगर आप सही तरीके से चलाओगे, सही तरीके से उसके उत्तराधिकारी बनोगे, तो मृत्यु से पहले आपका डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होना पूर्ण रूप से संभव है। यही पूर्ण योग का उद्देश्य है, यही सिद्ध योग का उद्देश्य है, गुरुदेव का उद्देश्य है, ऋषि अरविंदो का पूरे जीवन का उद्देश्य यही है, ठीक है जी। चलिए अब समय काफ़ी हो चुका है, तो अगर कोई मूल प्रश्न है नरहरी भाई का, अगर कोई प्रश्न है इसी विषय पे या किसी का कोई है तो लीजिए 10 मिनट, 8:30 बजे ठीक हम बंद कर देंगे, नहीं तो फिर और आराम करना पड़ेगा मुझे, तो बेहतर है कि हम समय सीमा थोड़ी रखें। नरहरी भाई कुछ कहना है? मैं कुछ कहने के लिए छोड़ा ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है। गोविंद भाई आनंद आनंद हो गया। हाँ जी सच्ची आज तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा हम सबको, बहुत ही यार। हाँ जी नरहरी भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कुछ है प्रश्न? जय गुरुदेव। नहीं अभी बस अभी क्लियर है। अच्छा। अभी के लिए क्लियर है। चलो और किसी गुरु भाई का गुरु बहन का कोई इसी चीज पे 7 कोशों पे या फिर इस चीज पे कोई प्रश्न है? सोनी आपका क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ कोशों के बारे में? हाँ जी क्लियर है ना बेटा, हमारी कैसे होती है यात्रा? हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आज के सेशन को गुरुदेव की कृपा से यहीं रखते हैं, उन्हीं के पास उन्हीं के शरण में रखते हैं, जो भी प्राप्त हुआ उन्हीं से प्राप्त हुआ है और उन्हीं में विलय हो जाता है। तो हमारे प्यारे श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग जो अधिमानसिक प्रकाश बन के हमारे पृथ्वी पे आए, जीवन में आए, और उन्होंने जो संक्रमण हमें दिया उस संक्रमण को हम जारी रखें, और जो परिवर्तन हमारे गुरुदेव प्यारे में आए वही परिवर्तन हम सब में आएंगे, इसी बात के लिए हम साधना करते हैं, मिलके साधना करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी साधना होगी, ठीक है। तो एकत्व में साधना नहीं करके ग्रुप में साधना करो, सुबह शाम का ध्यान कल सुबह ध्यान करेंगे, सुबह जैसे हम ध्यान करते थे वैसे ध्यान करेंगे और शाम को जैसे ध्यान करते हैं। नियमित जो गुरुदेव ने हमें शुरू में दिया था उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ परिवर्तन किए, घटित हुई बहुत सारी चीज़ें, तो वापस हम अपने उसी मोड में आते हैं जो गुरुदेव ने हमें दिया है। सुबह शाम साधना करो, 6:30 बजे उठ के करो, शाम को सत्संग करो, यही चीज़ों से हम बंधे रहेंगे और यही चीज़ हम करते रहेंगे। यही मुझे लगता है कि 1 साल में जो प्रगति मैंने अपनी साधना में देखी है और जिसके कारण ही हमारा सत्संग होता है, हमारा सत्संग सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सुबह शाम की साधना है उसका ही प्रतिफल है। जिस दिन हमारा सत्संग नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि हम प्रगति नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ बोल रहा हूँ, हर दिन कुछ नया बोला जा रहा है और वो बोला जा रहा है जिसका मुझे ज्ञान नहीं, जो प्रकट हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि जो साधना हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल ही सत्संग है, उसके प्रतिफल में ही सत्य प्रकट हो रहा है। साधना का प्रतिफल ही सत्य है, तो जो नाम जपता है उसका सत्य प्रकट होना अनिवार्य है, ठीक है। तो सुबह शाम की साधना ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह शाम ध्यान करेंगे वैसे ही, और शाम को जो सत्संग होगा उसको गुरु कृपा से वैसे ही चलाएंगे जैसे वो चला रहे हैं, ठीक है। आप सबको जय श्री गुरुदेव, और ध्यान रखिए अपना हर चीज़ों में, ठीक है, और अपने अपने जो व्यवहार को सकारात्मक रखिए। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि 2-4 दिन पहले जो हमने आधे घंटे का सेशन किया था जो रिकॉर्ड नहीं था जो यूट्यूब पे है, उसमें मैंने कहा था कि ऊर्जाओं को हम धारण करते हैं 3 रूप में, सत्व रजस तमस, तीनों रूप में ही आएंगी। आप सिर्फ सत्व ऊर्जा को धारण नहीं कर सकते प्रकृति से, ठीक है। एक संत और एक क्रिमिनल एक ही वातावरण में रहता है, तो वो जो पंच तत्व से जो ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं बाहर से वो रॉ रूप में आती है, रॉ में आती है बिल्कुल, तो उसमें हम सिर्फ सत्व नहीं चुन सकते, वो उसी रूप में आती है, रॉ रूप में आती है, लेकिन उसको अंदर तोड़ा जाता है, और तोड़ने का एक क्रिमिनल जब उसको तोड़ता है तो अपने विचारों से और अपने स्वभाव से तोड़ के क्राइम करता है, और एक साधु जब उसको तोड़ता है तो वो सत्य तोड़ता है। तो इसका अर्थ है
कि जो भी चीज़ें हम धारण करते हैं अंदर, उस ऊर्जा को रूपांतरण करने का तरीका जो है, कि हम कैसे उस ऊर्जा को सही रूपांतरण करेंगे, वो तरीका है आपका व्यवहार, वो तरीका है आपकी सोच, वो तरीका है आपका दृष्टिकोण। वो सबसे बड़ी बात अगर साधक में है तो वो है सकारात्मकता। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का समय चले, यानी कि ऊर्जाओं का आपके अंदर आना, दुख में आप सोचते हैं कि कैसी ऊर्जा आ रही है, सुख में सोचते हैं अच्छी ऊर्जा आ रही है, तो किसी भी समय कोई भी ऊर्जा आपके अंदर आए, लेकिन आप अगर उस समय सकारात्मक बने रहो, अपने गुरु के प्रति विश्वास पात्र बने रहो, तो उस जो जिस प्रकार की भी ऊर्जा आपके अंदर घटित हुई है वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिणाम ही देगी। वो आपको रोगों से दूर रखेगी। रोगों से दूर रहना, चिंताओं से दूर रहने का एकमात्र साधक के पास जो जरिया है वो है सकारात्मकता। तो आप सबको सकारात्मकता से आगे बढ़ना है। जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जैसा भी घटित हो रहा है, उसको कहो कि हे गुरुदेव तेरा पाना मीठा लगे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि तेरा पाना मीठा लगे। तो आप सबको भी एक ही मंत्र है कि श्री गुरुदेव जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है और हमें वो कबूल है, हम इसमें शांत हैं, ठीक है, जैसी भी साधना चल रही है हम इसमें शांत हैं। तो सकारात्मकता बनाए रखें। चलिए सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में 6 बजे 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री। और YouTube पे भी आप सबको जय श्री गुरुदेव।